पैसा मांगने पर दबंगों ने दुकानदार को मारी गोली। खबर जौनपुर से है। जिले के बदलापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के चंदन शहीद मार्ग पर बुधवार की रात दबंगों ने एक दुकानदार को पैसा मांगने पर गोली मार दी। घायल अवस्था में परिजनों ने सीएससी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल दुकानदार शरद त्रिपाठी उम्र 23 वर्ष अपने मकान में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है। आरोप है कि तीन लोग अपाचे गाड़ी से दुकान पर आए। बाइक सवार दबंगों ने दुकानदार से एक मोबाइल पर ग्लास लगवाया। दुकानदार ने पैसे मांगा तो गाली गलौज देते हुए दुकानदार को तमंचे से गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सीओ शुभम तोदी, प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए और घटना की जांच पड़ताल में जुट गए। माँ सरस्वती कॉलेज ऑफ एजुकेशन के परिसर में स्मार्टफोन वितरण। खबर वाराणसी से है। ब्लॉक अराजी लाइन के कुरौना बाजार स्थित माँ सरस्वती कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सानिध्य में बीएड कर रहे छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण किया गया। बीएड कॉलेज के गार्ड ऑफ ऑनर राजेश्वर सिंह पटेल कॉलेज परिसर में वितरण समारोह के माध्यम से लेटेस्ट छात्र छात्राओं को निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ स्मार्टफोन कॉलेज के सानिध्य में दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव देवेंद्र सिंह के हाथों के द्वारा स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव एवं कॉलेज के गार्ड ऑफ ऑनर राजेश सिंह पटेल संयुक्त रूप से अपने वक्तव्य में कहा कि आधुनिक डिजिटल भारत में स्मार्टफोन शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण और कारगर साबित हुआ है। वहीं स्मार्टफोन पाकर कॉलेज के छात्र छात्राएं काफ़ी प्रसन्न दिखे। वाराणसी से भावेश सिंह की रिपोर्ट। खबर यूपी के मेरठ से। मेडिकल कॉलेज से नवजात बच्चा चुराने वाला मंदिर के पुजारी का बेटा दीपक निकला। पुजारी के घर से पुलिस ने बच्चा बरामद किया। पुजारी व उसकी पत्नी को पुलिस ने कस्टडी में रखा है। वहीं दीपक की तलाश जारी है। खबर वाराणसी से। दशा अश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती पर प्रशासन की चिट्ठी पर मचे हंगामे के बीच आज वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने गंगा सेवा निधि के आयोजकों से मुलाकात की। सिर्फ दशा अश्वमेध घाट ही नहीं बल्कि काशी के राजघाट से 80 घाट तक होने वाले माँ गंगा आरती करने वाले कई आयोजन समिति के साथ सीपी वाराणसी ने बैठक की। खबर लखनऊ से। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जल जीवन मिशन की हकीकत समझने औचक निरीक्षण पर है। लखनऊ के मोहन लालगंज और गोसाईगंज ब्लॉक का दौरा जारी है। दो दर्जन गांवों में मिशन की हकीकत परखने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह निकले हुए हैं। आकस्मिक दौरे से विभाग में हड़कंप मच गया है। कई जगह पर जहां कमियां नजर आई हैं, वहां पर अधिकारियों से मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सवाल भी किए हैं। मौके पर पहुंच मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इलाकाई लोगों से भी काम की हकीकत जान रहे हैं। मोहनलालगंज से सरथुआ दहियर दाऊदनगर गांव से शुरू हुआ निरीक्षण का सिलसिला शाम तक चलेगा। तकरीबन दो दर्जन गांव का निरीक्षण का लक्ष्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रखा है। खबर उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड 9वीं 11वीं के छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी बोर्ड ने 9वीं 11वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई। 9वीं 11वीं के छात्र अब 10 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। आवेदन के लिए 31 अगस्त पहले थी आखिरी तारीख। छात्रों के अनुरोध पर बोर्ड ने तारीख बढ़ाने का लिया फैसला।